हूँ। कक्षा दसम का तृतीय दिवस और हम आज तृतीय प्रकरण के रूप में आप लोगों को समाज के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले तो सबसे जरूरी यह है कि हम समाज किसे कहते हैं, समाज होता क्या है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसा कि समास लिखा हुआ है तो समास वैसे भी दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, सम और आस। ये दो शब्दों के मिलने से समास का निर्माण हुआ है। अब हम इसका अलग अलग अगर अर्थ देखेंगे तो सम और आस ये आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो सम का मतलब हो गया पास और आस का मतलब हो गया रखना। ये दो शब्द हैं सम और आस। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है रखना, मतलब पास रखना। इसका ये मतलब होता है कि जब भी हम दो या दो से अधिक शब्दों को पास रख के और किसी नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो वहां उस प्रक्रिया को ही हम समास के नाम से जानते हैं। अभी जैसे हम यहां लिखते हैं समास की परिभाषा, तो इस रूप में ये प्राप्त होगा कि दो या दो शब्दों को मिलाकर जिस नए शब्द का निर्माण किया जाता है उसे हम समास कहते हैं। ये समास की परिभाषा है कि दो या दो शब्दों को मिलाकर जिस नए शब्द का निर्माण किया जाता है उसे हम समास कहते हैं। दो शब्द होंगे और उन दो शब्दों को मिलाकर जब एक नवीन शब्द का निर्माण किया जाएगा तो उस स्थिति में समास का रूप वो धारण करता है। जैसे समास में ये होता है कि जो अब समास के जितने भी जो छह भेद होते हैं वो समास के छह भेद भिन्न भिन्न रूपों में तैयार होते हैं। मतलब कोई दो शब्द तो जुड़े ही होंगे, एक शब्द कोई अगर जोड़ने वाला शब्द एक दो तीन चार आएगा तो वो अलग शब्द का अलग समास का निर्माण होगा। अगर कोई शब्द अब उपसर्ग है या अव्यय है तो उसको अलग शब्द निर्माण होगा, या कोई शब्द से किसी तीसरे शब्द का निर्माण होता है तो अलग समास होता है। इसी रूप में इसमें और हमको दो चीज और मिलता है। एक मिलता है सामासिक पद, एक सामासिक पद होता है और इसी को हम समस्त पद भी बोलते हैं। ये समास जब हम समास का विग्रह करते हैं तो ये सामासिक पद या इसी को, ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन किसी किसी को सामासिक पद भी इसको बोलता है, कोई इसको समस्त पद भी बोलता है। तो सिर्फ नाम के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, अगर समस्त पद आता है तो आप मिस्टेक ना भूल ना करें कि सामासिक पद क्या है समस्त पद क्या है। अब जो हमको जब हम समास विग्रह करते हैं तो जो भी हमको नया शब्द मिलेगा वो ही सामासिक पद कहलाता है। जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि गंगा जल, तो ये सामासिक पद है या समस्त पद हो गया। लेकिन अगर इसी को हम ये बोलेंगे कि गंगा का जल, तो ये हो गया समास विग्रह। मतलब दोनों अलग अलग चीज है। विग्रह का मतलब होता है अलग करना,
इसका मतलब होता है अलग करना। तो ये चीजें मतलब समासिक पद और समास विग्रह, ये समास बनाने की दोनों विधि हैं और ये दोनों रूप, ये दोनों अर्थ आपको मिलेंगे। तो ये हुआ समासिक पद और ये हुआ समास विग्रह। समासिक पद में होता है कि जो नवीन दो शब्दों को मिलने के बाद जो नवीन शब्द बनता है उसको हम समासिक पद बोलते हैं, और जो शब्द होता है और उसको हम जब उसका विग्रह करते हैं, उसका जब हम अलगाव करते हैं, तो वो जैसे ये गंगा जल है ये समासिक पद है, लेकिन अगर हमको इसको समास विग्रह करना होगा तो गंगा का जल ये होगा। अभी हम आपको समास के जो भेद होते हैं उसके बारे में बताएंगे।